दादा जी कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में अगर वो आ जाए, आप समझ रही हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? मैं समझना नहीं चाहती। आप नहीं समझेंगे क्योंकि पति पत्नी में तो वो भी आप ही हैं। तो पति पत्नी के बीच में कोई वो आ जाए तो बड़े ड्रामे होते हैं। तो ऐसी एक मजेदार फिल्म आ रही है पति पत्नी और वो, और इसकी स्टार कास्ट जो है आज हमारे बीच में आ रही है। तो चलिए सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो फिल्म में पति और पत्नी का किरदार निभा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कार्तिक आर्यन एंड भूमि पेडनेकर। थैंक यू सर। लव यू ब्रो। यू आर अ परमानेंट गेस्ट नाउ ऑन आवर शो। गॉर्जियस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये ऑडियंस का पता नहीं चलता किसकी तरफ है। आपके आने से पहले कपिल कपिल हो रही थी। ये पूरा महाराष्ट्र वाली पॉलिटिक्स हो गई। कोई कहां भी जा रहा है। जैसा कि आपने अभी इतना रंगारंग कार्यक्रम देखा, हमेशा खुशी के मौके पे विवाह शादी बच्चों के मुंडन में याद रखे। कार्तिक पेडनेकर ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। कार्तिक भूमि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। आप बेस्ट लग रहे हो। और थैंक्स बेब्स। अभी मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी कार्तिक के बर्थडे की। हाँ। अच्छा ये आइडिया बड़ा अच्छा है। क्या सर? बर्थडे चाहे जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड के साथ मनाओ। हाँ। सोशल मीडिया पे पिक्चर फैमिली की डालो। बिल्कुल सही जा रहे ब्रो। शाबाश। कहाँ है फोटो डालो। क्या प्रोडक्ट है आपका? वाह भूमि जिस भी फिल्म के लिए आती है सुपर डुपर हिट हो जाती है। अच्छा आपको कभी कभी मलाल नहीं होता कि जो लड़का मेरे लिए लकी था वो मेरे हाथ से निकल गया? होता है, इसलिए तो मैं बार बार शो पे आती हूँ। आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका। आइए बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू। पति पत्नी और वो, आप सबने ट्रेलर देखा होगा, बड़ी मजेदार फिल्म है। आपको सबको पता है कार्तिक की जो पहली फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा 2, आगे इनकी पता कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, लव आजकल 2, यहां तक कि पति पत्नी और वो में भी इनका नाम चिंटू है। कार्तिक हम क्या समझे, आपको दो नंबर के काम ज्यादा पसंद है? सर हर दूसरी फिल्म मेरी है। शाबाश। यस। भूमि इस फिल्म में आप अपने हस्बैंड की जासूसी कर रही हैं काफी। जासूसी? रियल लाइफ में कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ी किसी की जासूसी करने की? आपको लगता है कि अगर कोई मेरे साथ रियल लाइफ में होगा उसे? शाबाश। अच्छा कार्तिक को आपने देखा लुका छिपी में, ये इनकी शादी हो जाती है। इस फिल्म में भी ये हस्बैंड बने हुए हैं, मतलब ऑन स्क्रीन हस्बैंड बनने का पूरा मजा ले रहे हैं ये। रियल लाइफ में किस चीज का आपको डर है? लड़की नहीं मिल रही है या बहुत ज्यादा मिल गई डिसाइड नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो दूसरा वाला लग रहा है। मेरे को भी दूसरा वाला ही लगता है कार्तिक। वो समझ नहीं आता ना सर रियल लाइफ में। क्या कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा चॉइस बहुत है ना इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा आदमी भूखा हो ना तो सूखी रोटी भी खा ले। सामने बुफे लगा और तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कार्तिक के मम्मी पापा। अच्छा कहीं हो ना हो कार्तिक आप जो मर्जी जोर लगा लो, कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में चल तो रहा होगा कि वाह मेरे सपने मेरा बेटा पूरे कर रहा है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको जब आपका बेटा अलग अलग हीरोइन के साथ रोमांस करता है बड़े पर्दे पे? प्राउड फील करते। काश ऐसा होता मैं भी कर पाता ऐसा। अंकल कार्तिक की मम्मी ने ताले बजाई ऐसे करके। आप भले डॉक्टर हो घर जाके ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आपको। अच्छा वैसे आप देख रहे हैं भूमि जो है कितनी स्टाइलिश है, यू नो पूरी मतलब अच्छा लगता है देख के इनको। लेकिन आप इनके फिल्मों में इनके करेक्टर के नाम देख लो, सब मेरी मम्मी की सहेलियों वाले। आप संध्या, जया, सुधा, इंदुमती, चंद्रो, आपका दिल नहीं करता आपका भी नाम ऐसा हॉट सा हो? पू निशा ऐसा?
आपने कभी बोला नहीं स्क्रिप्ट राइटर को कि नाम तो लिख दो, नाम से क्या होता है? मैंने बोला, मैं तो बहुत चीजें बोली है, मैंने तो ये भी बोला है कहीं मुझे यूपी के बाहर जाके शूट करा लो, क्योंकि सुनता कौन है मैं मतलब जो यूपी में पिक्चर एक कर, बहुत अच्छा स्टेट है उत्तर प्रदेश, हमें बहुत प्यार दिया है लेकिन मैं तो बोलती, मैंने कहा नेपाल ले जाओ शूट कराने, बस आउटडोर किसी लोकेशन में ले जाओ, मैं भूटान चली जाऊंगी, लक्षद्वीप भी चलेगा, बस उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाओ। सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक का नाम सोनू था, लुका छिपी में इनका नाम था गुड्डू, इस फिल्म में चिंटू। मजे सारे बड़े लड़कों वाले ले रहे हो, नाम ऐसे रखे हैं। प्यारे बच्चे वालों नाम क्यों होते कार्तिक? इनोसेंस है सर। हाय हाय। और इनोसेंस का फायदा उठाया जा रहा है। स्वेटिंग, एसी तो पूरा चल रहा है, ये अंदर की गर्मी है जो बाहर आ रही है। अच्छा, आदमी की फितरत बड़ी अजीब है, गर्लफ्रेंड में बीवी को ढूंढता है, बीवी में गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और अगर गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। कार्तिक, इस फिल्म का ट्रेलर में ना बोल रहे हैं कि मेरे अच्छे दिन आएंगे भूमि के साथ शादी करने के बाद, कौन से अच्छे दिनों का इंतजार है आपको फिल्म में? अच्छे दिनों का सर मतलब बताओ। अच्छे तो चल रहे हैं, अच्छे तो चल रहे हैं सर, राइट अंदर की बात है। अब वक्त है कार्तिक के अच्छे दिनों को यहाँ बुलाने का, तो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ ये वो हैं जो फिल्म में भी वो हैं। अच्छा तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वेरी स्वीट एंड चार्मिंग अनन्या पांडे। वाओ, कितनी ऑर्गेनिक ड्रेस पहनी है आपने। आने वो पूरा वो आ रहा है ना वो जो ये लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं अनन्या? फेदर। फेदर, फेदर। फेदर्स। या। वाओ, लवली वेदर विद फेदर। थैंक्स। अनन्या बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। मुबारक हो आपको आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए। थैंक यू। अच्छा, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर करी थी ना अनन्या ने, ये विल स्मिथ से मिली थी जी, अभी हाल ही में केटी पेरी से मिली, आज मुझसे मिल रही हैं आप। 16 पर आपको कैसे लग रहा है? मैं 6 महीने के बाद आई हूँ, आपने मुझे मिस किया? मेरा तो हर हफ्ते चलता ही है ना। I mean, मिस करता हूँ मैं, of course. Excuse me? There is Instagram, मैं वहाँ पे फोटो वगैरह देख लेता हूँ। तब मैं ऐसे ही बोल रहा था कि विल स्मिथ से मिली केटी पेरी से आज मुझसे, तो डे बाई डे जो आपकी तरक्की हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी थोड़े दिन पहले हाउसफुल 4 के लिए चंकी सर आए थे यहाँ पे, उनकी फिल्म हाउसफुल 4 जो है बहुत बड़ी हिट हो गई। अच्छा अनन्या, पापा ने आपको पार्टी दी हाउसफुल 4 के बाद, कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वाली भी हिट होने दो, तुम्हारे प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर कराएंगे। आपको लगता है मेरे पापा पार्टी देते हैं? नहीं लगता, मैंने इसीलिए कंफर्म किया। नहीं, उन्होंने नहीं दिया। आई थिंक मैं उनके लिए पार्टी रखूंगी अब जब ये हिट होगी। वेरी नाइस। पता है चंकी सर ने खुद कहा, कहते मैंने तो अपनी जितनी बर्थडे पार्टीज मनाई मैंने स्पॉन्सर कराई, एक्चुअली सामने थी। हाँ, मैंने अटेंड भी की है वो स्पॉन्सर्ड पार्टियां। ही स्टार्टेड द ट्रेंड। क्या ख्याल है? व्हाट थिंग शी इज हाइडिंग अवे। अनन्या, जब आपका बर्थडे होता था हाँ, पापा खुद से खर्च करते थे पैसे के स्पॉन्सर होता था बर्थडे? लास्ट वाला स्पॉन्सर्ड था। हां, ऑन इंस्टाग्राम। कांट रिवील दिस। नहीं, मम्मी पापा दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दूसरे के बॉयफ्रेंड पे नजर रख रही है अनन्या, इसमें ये दूसरे के पति पे नजर रख रही है। अच्छा, फिल्मों में तो आप दूसरों के फिक्स डिपॉजिट पे नजर रख रही है, पर्सनल आपका कोई अकाउंट खुला है अभी तक के नहीं? ये आपके फैंस जानना चाहते हैं। देखिए, नहीं नहीं, मेरी उम्र बहुत कम है बैंक जाने की। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना कार्तिक के जो पापा बने वो इनको कह रहे हैं कि 10वीं कर ले, उसके बाद आराम ही राम है। जैसे मेरे घर वाले कहते थे कि तू नौकरी लग जा फिर आराम ही राम है। जैसे अर्चना जी को किसी ने कहा कि किसी की कुर्सी पे बैठ जाओ फिर आराम ही राम है। Yes! Good one. तो ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपके पेरेंट्स ने किस चीज के बाद आपको आराम बताया? होता नहीं घर पेरेंट्स का होता कि तू ये कर ले उसके बाद आराम ही राम है। अब वहां से शुरू करते हैं नन्या, पापा ने क्या बोला आपको कि बेटा ये कर ले? आई थिंक बचपन से ही आराम ही आराम, पैदा होते बस तू पैदा हो जा आराम ही आराम, आराम ही आराम। पापा मतलब अच्छा, वो तो आपको कोई इसलिए टेंशन कभी पेरेंट्स ने दी नहीं? नहीं। भूमि, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा आपको कि बेटा ये कर ले फिर आराम ही राम है? नहीं यार, कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी,
नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ड्रामेटिक्स करनी है कर लो, जो करना है कर लो. वाह, बहुत ही इवॉल्व्ड लिबरेटेड हाउस होल्ड है मेरा. क्या? मेरी मम्मी बहुत करती है. लेकिन क्या मम्मी बोलती है? हाँ, इसलिए बहुत. मम्मी क्या बोलती है? मम्मी चालू हो गई थी फिफ्थ क्लास से. क्या? कि फिफ्थ कंप्लीट कर लो, एग्जाम कर लो, फिर आराम ही आराम. सिक्स कर लो, फिर आराम ही आराम. हर क्लास में सेवेंथ कर लो, आराम ही आराम. यूनिट टेस्ट दे दो, आराम ही आराम. कभी आराम ही आराम हुआ ही नहीं. हर महीने आराम ही आराम सुनता रहा बस मम्मी के. आराम आया नहीं. आया नहीं. नहीं, अच्छी बात है. पर आपके बच्चे मेहनती हैं, आज आपका नाम रोशन करने, बहुत मुबारक हो आपको. अच्छा, ये फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो. तो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो कोई तीसरी औरत ही हो या तीसरा कोई आदमी ही हो पति पत्नी के रिलेशन में. कभी कभी आजकल तो मोबाइल भी जो बड़ा लोगों की सौतन बन बैठा है. लोग बोलते ना कि मेरे हस्बैंड तो मोबाइल पे लगे रहते हैं. मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो कौन है. जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को. हेलो कपिल. हेलो अर्चना मैम. हेलो कार्तिक, भूमि, अनन्या. हाय. आई एम भारती, आई एम फ्रॉम पुणे. जी भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी थैंक्स अ लॉट. सो बेसिकली मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जी वो इज संतोष. संतोष? संतोष किसी का नाम है? जी जी, संतोष पाटीदार इनके पार्टनर है. अच्छा. इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है. अच्छा. और जिस दिन वो स्टार्टअप शुरू हुआ है, हाँ, नहीं 9:30 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं. 9:30 बजे जाके 8 बजे कैसे आ जाते हैं? 9:30 बजे सुबह. और उसके बाद आगे सोने से पहला कॉल होता है वो संतोष को होता है. संतोष को सुबह उठ के पहला कॉल भी संतोष को होता है. अच्छा जी. और एक दिन अगर ये ऑफिस नहीं गए तो सो भी संतोष के साथ जाया करो. नहीं नहीं नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, घर आते भी संतोष की इतनी फिक्र. और एक दिन मेहनती हैं आपके हस्बैंड तो शाम को वो घर आ जाते हैं. उसके बाद ये ठीक है, तबीयत अगर खराब है तो. अच्छा जी. तो मैं इनसे बोलने लगी हूँ आजकल तो कि एक स्टार्टअप हम खोल लेते हैं. हाँ जी. मुझे थोड़ा टाइम मिलना चालू हो जाएगा. कितने साल हो गए भारती जी आपकी शादी को? मेरी शादी हो 11 साल हो गए. संतोष कब आया आपकी लाइफ में? एक साल पहले जी. तो आपके बच्चे हैं? दो बेटियां हैं मेरी. अच्छा, दो बेटियां हैं. ब्यूटीफुल फैमिली. आपका स्टार्टअप शुरू हो ही गया. तो संतोष नहीं आया साथ में? स्ट्रिक्टली नो नो था ये मेरी. अच्छा. आप संतोष की वाइफ को फ्रेंड बना लो ना आप. हाँ. आप उनको कॉल करने शुरू कर दिया करो. इनको इग्नोर करो आप. अपने आप ही जब. गुड एडवाइस. आई विल डेफिनेटली फॉलो इट. थैंक यू. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका. और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार. जी भाई साहब, और डॉलर निकाले. हेलो एवरीवन. हेलो 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 हेलो. मेरा नाम अतुर है. अतुल? अतुर. 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 एल नहीं आ रहा. एल नहीं आ रहा है. रर. अतुर. रर. अतुर मैंने पहली बार सुना यार. आपकी लाइफ में कौन है वो? वो मेरे उस कहानी नहीं है, वो मेरे मम्मा पापा की कहानी है. अच्छा जी. तो हमारे पास एक स्मॉल सा डॉगी है. अच्छा. 4 साल की. तो जब भी मम्मा पापा की लड़ाई होती है तो वो हमेशा पापा के साथ चल जाती है. अच्छा. मतलब मम्मा की तरफ देखती ही नहीं. अच्छा. तो मम्मा कहती है यार क्या है, हमेशा इसको लेके चले जाते हो, मुझे छोड़ देते हो पीछे. मेरे बारे में तो परवाह ही नहीं करते आप. तो हम आइडिया ये लगाएं कि जो आपकी एज है, तो आपके मम्मी पापा मतलब इस एज में भी लड़ाइयां होती है पति पत्नी की? ओ, क्या बात करते हो आप. बहुत ही लड़ाई होती है उनकी. क्या बात करते हो. पर ये ना जो डॉग्स होते हैं जो आप घर पे रखते हो पेट्स, ये बड़ा मतलब अच्छी चीज होती है. आपको लड़ाई नहीं करने देते या ध्यान डाइवर्ट कर देते आपका. अच्छी, पापा आपके समझदार हैं. आए पापा मम्मी साथ में? हाँ जी, दोनों आए. कहाँ है? ए पापा इधर है, मम्मा वहाँ पे बैठी हुई है. तो ये आपके जो स्कर्ट वाली मैडम, उनके साथ क्यों बैठे हुए आप? अब क्या बताएं? आप यहाँ लेडीज में बैठे हो, वो भी लेडीज में बैठे हुए हैं. अतुर तुम्हारे पापा बड़े चतुर हैं. मैं आज भी लड़के तो नहीं आया आज. थोड़ा बहुत तो चलो होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है. चलिए भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ. सर नमस्कार जी. नमस्कार. बेटा बड़ा हैंडसम है आपका जी. थैंक यू जी. ये लड़ाई के पहले की बात होगी. ये बात आपने सही बोली, लड़ाई से पहले ही हो गया. हाँ जी हाँ जी. चलिए बहुत. तो बॉट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है. अच्छा, बॉट ऑफ. हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आपका शो देखने. अच्छा, वाओ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. That's so cool. Thank you, thank you. मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाता ही नहीं अब. पर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए. थैंक यू जी. तो अभी अपना पेट किसके पास छोड़ के आए आप घर पे? हमारे ड्राइवर के साथ है. अच्छा, ड्राइवर की भी लड़ाई होती तो वो भी पेट के साथ.
नहीं हमें पता नहीं था ये शो इतना लंबा चलेगा। अच्छा, हमने बोला 4-5 घंटे का टाइम है। अरे आगे 10 साल चलने वाला है अभी। हाँ शो तो बहुत अच्छा चलेगा, हमारी हरकतें ठीक रहें, बाकी तो सब ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो, जी मैडम। हेलो कपिल, हेलो सुपर डुपर कास्ट ऑफ पति पत्नी एंड वो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू, माय डॉटर इज ग्रेट फैन ऑफ यू कार्तिक। थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। मैं इस व्यू से थोड़ी अलग बात करना चाहती हूँ कि वो हमेशा गलत नहीं हो सकती है। पति पत्नी और वो में कभी वो ऐसी भी हो सकती है जो कोई इंस्पायरिंग गर्लफ्रेंड हो, जो उसको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करे, कभी दूसरी कोई चीज़ जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वेट लूज करना या ऐसी कोई अच्छी चीज़ों में उसको इंस्पायर करे। हाँ जी। और और दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो कि उसको देखकर पत्नी इंस्पायर हो जाए और वो पति की ज्यादा प्यारी होने की कोशिश करे। वाह कपिल सर, आप ऐसे इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई वो शुड बी अ गर्ल, वो शुड बी अ मैन जो पत्नी के लिए हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाउ आई स्टैंड अप एंड डू दिस। यस यस यस। कार्तिक, मनाली तो मेरे को भी बड़ा पसंद है सर, आपकी तो बहुत बड़ी फैन है सर, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो आपका शो देखे बगैर तो रुकती नहीं है। ये तो चलो बैठते बैठते कुछ बोलना था, बोल दिया। बैठते बैठते। पर आपके विचार मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कि जो वो है वो इंस्पायरिंग भी हो सकती है। ऐसे काश विचार सब पत्नियों के हों। लेकिन अगर ये पत्नी के लिए वो इंस्पायरिंग हो गया तो पति के लिए मुश्किल हो जाएगी डेफिनेटली। हाँ बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त, जी मैडम। वाह कितनी तैयार होके आई आप। नमस्कार मैम, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ऐसा सूट मेरी मम्मी के लिए भी मंगवा दो एक। बिल्कुल जरूर। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। अच्छा जी। हेलो कपिल, मैं वंदना जैन। वंदना जी, अच्छा बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। थैंक यू। कपिल जी, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जो है दीपक जी, उनके लिए तो मेरे हिसाब से आप है वो। शुक्र है किसी के लाइफ में तो हम भी वो हुए। क्योंकि सुबह उठते ही वो कपिल शो देखते हैं। अच्छा, और जब वो घर से जाते हैं तब तक कपिल शो देख रहे होते हैं। अच्छा, एंड जब घर आते हैं रात को उसके हाँ। बाद भी उनका वो कपिल शो हो जाता है। अच्छा, तो इतनी होती है कि भी मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाते हैं। शादी को कितने साल हुए आपकी? 30 इयर्स। 30 साल। 30। और कितना टाइम दे दें आपको? पूरी लाइफ उनके साथ ली है तो पूरी लाइफ ही मैं तो उनके साथ। अब आदमी बेचारा हंस रहा है कॉमेडी शो देख के। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। पहले पहले तो टाइम दिया ही है फिर। वरना वो नहीं आए भाई साहब, नहीं आए साथ में? नहीं वो नहीं आए। अभी कपिल शो देख रहे होंगे। कपिल शो देख रहे। मेरी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा शो आता है 9:30। हां जी, पक्का कर लो कपिल शो ही देख रहे हैं कोई? नहीं नहीं, वो कपिल शो ही देख रहे हैं, इतना तो विश्वास है, वो और कुछ नहीं हो सकता। इतना तो मुझे विश्वास है। थैंक यू मैम, वैसे लगता नहीं आपकी शादी को 30 साल हो गए। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और धन्यवाद शो में आने के लिए मैम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।